नगर परिषद आरएसपुरा की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 3 से पार्षद किशोर शर्मा को सर्वसम्मति के साथ नगर परिषद आरएसपुरा का प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य रूप से मौजूद रहे, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने की। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने नगर परिषद आरएसपुरा का उप चेयरमैन बनने पर किशोर शर्मा को मुबारकबाद दी और कहा, पहले भी नगर परिषद आरएसपुरा द्वारा कस्बे के विकास और बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि किशोर शर्मा उप चेयरमैन बनने के बाद पहले से ज्यादा अच्छा काम करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन सतपाल पप्पी ने कहा, सर्वसम्मति के साथ किशोर शर्मा को उप चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा, कमेटी पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा पार्षद हैं और सर्वसम्मति के साथ सभी पार्षदों ने किशोर शर्मा को उप चेयरमैन बनाया। इस मौके पर कार्यकारी अधिकारी सुभाष चंद्र, बीडीसी चेयरमैन आरएसपुरा तरसिंह लाल शर्मा, पार्षद राकेश गुप्ता, अंजुबाला अंजुरानी, राजकुमार देवोरानी, अशोक कुमार सहित कस्बे के विभिन्न सामाजिक संगठन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वाइस प्रेसिडेंट बनने पे जितने भी मेरे काउंसलर साथी हैं सभी का अपने दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही मैं चौधरी साहब का जिन्होंने मुझे ये मौका दिलाया, सीधी सी बात है, मैं उनका भी अपने दिल की गहराइयों का उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और इस मौके पे मैं कभी भी ये नहीं भूल सकता कि जिन लोगों ने मुझे जिताकर इधर काउंसलर बनाया और उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद दी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मुझे वोट दे के जिताया। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता सिर्फ विकास, क्योंकि हमने जो इलेक्शन लड़ी वो सिर्फ विकास के मुद्दे पे, और हम अपने शहर का जितना विकास हो सका करवा रहे हैं, और उसके लिए हमारे चेयरमैन सर, जितने मेरे काउंसलर साथी हैं, सभी एक साथ प्रयास कर रहे हैं, और इस बार बड़ा स्मूथली काम हो रहा है। जितने भी हमारे काउंसलर साथी हैं, चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन जो पहले, कोई भी, सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है काम करने में। ओके, पर आज किशोर जी को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई म्युनिसिपलिटी है ये आरएसपुरा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है, तो भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी में हम जो भी काम करते हैं म्युनिसिपलिटी के अंदर वो सर्वसम्मति से करते हैं, और सभी जो मेंबर इलेक्टेड हैं उनसे बैठ कर मशवरा करके फिर हम वो काम करते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो या कोई दूसरा काम हो टाउन के अंदर। तो ये भी हमने सर्वसम्मति से बैठ के ये फैसला किया है कि किशोर जी को हम वाइस चेयरमैन बनाएंगे। तो आज सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए काउंसलर हैं, जिसमें श्याम चौधरी जी की शमूलियत में बैठ के हमने ये फैसला किया, और किशोर शर्मा जी को यहाँ आज वाइस चेयरमैन बनाया म्युनिसिपलिटी का। जितने भी काउंसलर हैं, चाहे वो महिला काउंसलर है, जेंट्स काउंसलर है, जो भारतीय जनता पार्टी के, सब ने सर्वसम्मति से किशोर जी को वाइस चेयरमैन बनाया आरएसपुरा म्युनिसिपलिटी। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।